तो हेलो बच्चों, मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ को लेके थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे सारे स्टेट 20 स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो कोशिश था कि सारे के सारे 20 स्टेट कवर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। समय की कमी की वजह से इसको लाइव भी नहीं कर पाया। कल मैंने आपको बोला था कि लाइव करूँगा, अब ये लाइव सेशन मैं शायद कल करूँगा, तो उसमें भी टाइम लगा। बिकॉज़ लाइव सेशन के लिए हमारे पास वो जो स्टूडियो सेटअप है वो, उसमें क्लासेस चल रही थी, और जब खाली था स्टूडियो सेटअप तो मैं उस टाइम फ्री नहीं था, या फिर मेरी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई थी। तो अभी मैं कुछ स्टेट के बारे में आप लोग को डिस्कस करूँगा एज़ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इस टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट से कुछ स्टेट की धड़कनें बढ़ गई हैं, बिकॉज़ यू नो कट ऑफ प्रेडिक्शन बहुत ऊपर जा रहा, केरला में, दिल्ली में, राजस्थान में, और कुछ स्टेट को काफ़ी राहत मिली है। लाइक यू नो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी कई स्टेट्स हैं, काफ़ी राहत नहीं मतलब ठीक ठीक राहत मिली है। यूपी में ओवरऑल कुछ भी हो जाए राहत है, बिकॉज कॉलेज खुल रहे हैं, तो यूपी में मोर और लेस बहुत डिफरेंस नहीं आया है। ऑल दो जो टॉपर ऊपर के बढ़ने से उनको फ़ायदा ही हुआ है। तो ये जो प्रेडिक्शन है, बेसिकली प्रेडिक्शन मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैं ये दूसरे चैनल की तरह मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं एग्जैक्टली आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ यही होगा। प्रिडिक्शन हमेशा बहुत अनसर्टेन होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इम्पावर करूं, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूं, सो दैट यू कैन गेस द थिंग्स कि क्या हो सकता है। और अभी नहीं गेस करोगे तो अगर आपको मिल भी रहा है तो आप एक एनालिटिकल डिस्कशन कर सको, जिससे आपको नॉलेज आगे हो और जो भी बच्चा इस फील्ड में आए उसको आप गाइड कर सको। ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने पास नॉलेज रखूं। तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्लाइड्स बना रखे हैं, ये स्लाइड मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा जो डीके मिश्रा फिजिक्स के नाम पे है टेलीग्राम चैनल पे। और भी इन्फॉर्मेशन मोटिवेशनल कोर्स मैं देता रहता हूं, उससे आप जुड़िए, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। तो आज जो स्टेट कवर करने वाला हूँ वो है, तो आज जो मैं स्टेट कवर करने वाला हूँ, हरियाणा है, दिल्ली है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो अब हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ। हरियाणा में 700 से लेकर 720 तक में 7 बच्चे हैं, 650 से 699 तक 183 हैं। तो 700 से 720 वाला एक भी बच्चा आपके स्टेट में नहीं रुकने वाला, ये कंफर्म है। 650 से 699, 650 टू 699 में 183 हैं, इसमें से आधे बच्चे बाहर चले जाएंगे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि आपके स्टेट में बॉन्ड वॉन्ड भी है कुछ, उसकी वजह से आप यहाँ भी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये हो गए टोटल 190 स्टूडेंट्स, 190 बच्चों में से आधे तो निकल लेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आ रही है 600 से लेके 649 तक में, इसमें जो 600 टू 649 है इसमें 699 स्टूडेंट है, लगभग 700 एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रूल। अब हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं। हरियाणा में मेरे हिसाब से 7-6 कॉलेजेस थे और उसमें 760 सीट्स हैं, 760 सीट्स। लेकिन अभी मैंने आप मेरी एक टीम ने, एक मेंबर को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जरा एमसीसी की, आई एम सॉरी, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की वेबसाइट से जाके चेक करें, और आप भी चेक कर सकते हो, nmc.org.in करके है वेबसाइट, और उस वेबसाइट से, एनएमसी की वेबसाइट से आप सारे कॉलेज के एफिलिएशन और भी डिटेल, थोड़ा और डिटेल, कब एफिलिएशन मिला, कितनी सीटों का मिला, ये आप जान सकते हो। तो उन्होंने उससे जो चेक किया वो कह रहे हैं कि 6 कॉलेज दिखा रहा है, 5 कॉलेजेस दिखा रहा है, 1 नहीं दिखा रहा है। उनके हिसाब से 710 सीट है, मेरा जो पहले से हमने बना रखा था उसमें 760 सीट्स थी, तो आप थोड़ा कंफर्म कर लेना, मैं 760 सीट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कुल मिला के 600 से ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो 790 के आसपास बच्चों की है। अब सीटें तो आपके पास 720 हैं, इसमें SC ST OBC भी होंगी, तो अब जो 600 तक जो हम पहले सोचते थे लास्ट ईयर मिल गया था, अब इस साल नहीं मिलने वाला है, थोड़ा डर वाली बात है। लेकिन वो एग्जैक्ट मैं कैसे बोल दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 600 से ऊपर जो 699 का फिगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्या, कोई नहीं आपको बता सकता। बट हाँ, थोड़ा डरावना सिचुएशन है। मुझे जो लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की, पिछले साल से यहाँ ऊपर कट ऑफ जा सकता है हरियाणा स्टेट में। बाकी नीचे 500 से 549, 549, 450 से 499, 400 से 449, ये सारा इस डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब आ जा रहे हैं हम लोग अगला, दिल्ली में। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो बड़ा सरप्राइज कर रहा है। पहले क्या होता था कि दिल्ली में लोग जाते थे हमारे यहाँ से, हर स्टेट से, कि दिल्ली कोटा मिल जाएगा तो वहाँ के कॉलेज लेना आसान होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादा दिन दूर नहीं कि दिल्ली स्टेट में स्टेट कोटा ऊपर जाएगा, ऑल इंडिया नीचे जाएगा, जैसे राजस्थान और केरला में होता है।
तो दिल्ली में बड़ा कट ऑफ ऊपर जा रहा है। 2009 पूरा तीनों को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। 2019 में 700 और 720 के ब्रैकेट में एक बच्चा था। लास्ट ईयर इट वॉज 10 एंड दिस ईयर इट इज 20, तो 20 बच्चा आ गया सीधे। लास्ट ईयर 1000% जम्प, इस साल फिर 2000% जम्प एज कंपेयर टू 2019। 650 से 699, इस साल 356 बच्चा है। तो 356 और 220 को मिला लिया जाए तो 376 का एक स्ट्रेंथ आ रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए, 650 से ऊपर वाले स्टूडेंट को मिला दिया जाए तो 650 से ऊपर वाले 366 हैं। सीटें कितनी हैं? 7 कॉलेजेस हैं और 1105 सीटें हैं एज पर एनएमसी। मेरे हिसाब से 900 सीट्स हैं, ये थोड़ा चेक कर लेना। एनएमसी का भी मैंने वेरीफाई पर्सनली नहीं किया, मेरी टीम ने किया, उन्होंने बताया 7 कॉलेजेस हैं, 1105 सीटें हैं। पुराने मेरे प्रडिक्शन के हिसाब से 7 कॉलेज हैं, 900 सीटें हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसको चेक कर लेना। और मैं आप लोग को थोड़ा इम्पावर इसलिए कर रहा हूँ, खुद आप लोग प्रडिक्शन करो। स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि इस साल ज़्यादा बच्चे उस ब्रैकेट में आ रहे हैं, 600 से 649 के बीच में। इस साल 1034 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर सिर्फ 729 थे, 729, उससे पहले सिर्फ उसके भी आधे से कम 363 थे। तो ये जो जंप आया है वो नेचुरली कट ऑफ को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि एम्स को छोड़ने के बाद जो बेस्ट कॉलेज होता है वो दिल्ली में खुद मौजूद है। तो बाहर के लोग तो अपना स्टेट छोड़ के एम्स नहीं मिलता, कोई और ले लेते हैं, बट आपके दिल्ली के लोग वहीं रहने वाले हैं, तो कट ऑफ तो नेचुरली ऊपर जाने वाला है पिछले साल से, इसमें कोई मुझे डाउट है ही नहीं। उसके बाद दिल्ली के बारे में हो गया, अब आ जाते हैं केरला। केरला भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक ऊपर जा रहा है, जंप कर रहा है, लेकिन केरला ने थोड़ा सा एक रिलीफ दिया है। तो केरला के सीट्स के बारे में बता दूं, एमसीसी का एनएमसी के डेटा के हिसाब से मेरा जो टीम ने मुझे बताया 10 कॉलेजेस हैं, 1555 1555 सीट्स हैं। मेरे जो पुराना जो मैंने सीट बना रखी थी उसके हिसाब से 11 कॉलेजेस हैं एंड 1506 सीट्स हैं। तो मोर और लेस सीट्स 1500 1550 के आसपास हैं। बट द बेस्ट रिलीफ इज फॉर द केरला इज दिस ईयर फ्रॉम 650 टू 699 द स्टूडेंट स्ट्रेंथ गॉन वेरी वेरी डाउन। यू नो लास्ट ईयर इट वॉज 630, इस साल 272 है, 630 की जगह पे 272, तो काफ़ी रिलीफ है केरला वाले बच्चों को। तो मुझे लग रहा है केरला में कट ऑफ नीचे जाएगा, तो ये एक प्रिडिक्शन, केरला में कट ऑफ नीचे जाएगा। 600 से 649 तक का लास्ट ईयर स्ट्रेंथ देखा जाए तो 1725 था, इस साल 9970 है। तो लगभग लगभग जो नंबर अगर मैं सीधे सीधे काउंट करूं तो ये 2350 के आसपास लास्ट ईयर थे 600 से ऊपर, इस साल वो स्ट्रेंथ आ गया है 970 प्लस 270 हो गया करीब करीब 1150 और 1100, तो आधा का फर्क आ गया है। तो इस बार केरला का कट ऑफ कम से कम 10-15 नंबर नीचे जा सकता है, जो ऑलरेडी बहुत ऊपर था। तो केरला के बच्चों को थोड़ा बेटर फीलिंग होनी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आई डोंट हैव एनी यू नो डेटा ऑफ 2020 2019, आई हैव द डेटा ऑफ 2021। और एक और डेटा हमारे पास है वो है, नहीं वेस्ट बंगाल के बारे में, 700 टू 728 स्टूडेंट्स आर देयर, तो दे परफॉर्म वेरी रियली वेरी गुड। लास्ट ईयर आई थिंक कोई बच्चा नहीं था। 650 टू 699 180 स्टूडेंट, 600 टू 649 1838 838, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ मिला दिया जाए तो लगभग लगभग 1000 से थोड़ा ऊपर जाता है। एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन केरला इज 3100 आउट ऑफ 19 कॉलेजेस, तो 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं। और 600 तक टोटल स्टूडेंट मिला दिया जाए तो वो लगभग लगभग होते हैं 1000 प्लस थोड़ा सा। अगर 50% इसका 15% हटा दो ऑल इंडिया कोटा में, 85% का भी आधा करो तो 600 तक तो सारे बच्चे सेफ हैं। सो क्लैप फॉर केरला, बिकॉज 600 से नीचे जनरल का कट ऑफ जाना तो पक्का है, पिछले साल भी गया था, इस साल भी जाएगा। अब अगर 550 से ऊपर देखा जाए तो 550 से ऊपर मान इसमें आ रहा है 2800 सीट्स, तो 2800 सीट्स हैं। और जनरल की आपको मानना पड़ेगा कि 1500 के आसपास सीटें होंगी, 1400 के आसपास सीटें होंगी, और यहाँ ये 2400, तो 550 कट ऑफ तो नहीं जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, 575 560 के आसपास रह सकता है। थोड़ा और इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि
क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्शन आप पिछले साल और इस साल को देख के ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के बीच में रहने वाला, इस ब्रैकेट के बीच में रहने वाला है, जो 550 से 599 के बीच में ब्रैकेट में रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक और केरला के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में बता दूँ, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट बाहर कम जाएंगे, 700 टू 720 के बीच वाले स्टूडेंट कुछ हो सकता माइग्रेट करके मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जाएं, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इशू, बिकॉज ऑफ द एरिया इशू, बहुत ही कम स्टूडेंट यहां से बाहर जाएंगे, ये आप पक्का मान के चलिए, तो उनका एडवांटेज यहाँ इस स्टेट में नहीं मिलने वाला है। अब आ जाते हैं बिहार। बिहार में कुल मिला के 11 कॉलेजेस हैं और 1290 सीट्स हैं, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बिहार में 700 से 720 का जो स्ट्रेंथ है वो है 4 बच्चों का, ये एक बच्चा भी बिहार में नहीं रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। 650 से 669 तक 175 है, ये नंबर थोड़ा कम है, तो एक रिलीफ है बच्चों में, जो एक डर था वो डर मुझे लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 600 से 649 तक में कितने स्टूडेंट हैं वो देख लेते हैं, 1089, ये नंबर ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज कम है बिहार में एज़ पर द पॉपुलेशन, उस हिसाब से काफ़ी कम कॉलेजेस हैं, काफ़ी कम सीट्स हैं। तो अगर मैं 600 से लेके पूरे 720 तक के बच्चों को काउंट करूं तो वो फिगर आता है रफली 1250 के आसपास, 1260 के आसपास, ऐसे फिगर मान लो, और उतनी ही सीट्स हैं। लेकिन आपको पता है जनरल का सीट आधा होता है, वो भी 15% नेशनल भी निकाल लो, तो कट ऑफ 600 तक तो नहीं आने वाला, ऊपर ही रहने वाला है। तो बिहार का कट ऑफ में थोड़ा सा मुझे रेड कलर दिख रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप प्लीज़ डरना मत बिल्कुल, ये एकदम प्रेडिक्शन बेसिस पे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहा हूँ, उस डेटा से खुद आप थोड़ा एनालाइज कर लो, क्योंकि मैं डेटा लेके आया हूँ सो दैट आप एनालाइज कर पाए इसको ढंग से। ये पूरी की पूरी सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डीके मिश्रा फिजिक्स नाम है टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल पे डाल दूंगा, उस चैनल पे आना और वहाँ से सारा डेटा एक्सेस कर लेना। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमसे जुड़ोगे कैसे। मैं जो आपको इतनी मेहनत करके देता हूँ इसी लालच में तो देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और मेरा चैनल ग्रो करेगा, दैट इज़ माई यू नो लालच। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का डेटा मेरे पास 19, 20, 21 तीनों का है, तो इट्स अ गुड रिलीफ, इससे हम थोड़ा सा कंक्लूड बेटर तरीके से कर लेंगे। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर कंपेयर में थोड़ा इजी है, सो महाराष्ट्र कट ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली यू नो गोइंग टू मूव लिटिल डाउन। लिटिल डाउन इसलिए क्योंकि दो कॉलेज भी खुले हैं, कुल मिला के 4230 सीट्स हैं, वेरी हाई नंबर ऑफ सीट्स। पॉपुलेशन यूपी का यहाँ पे देखा जाए तो 1/3 है और सीटें यूपी से ज़्यादा है, पॉपुलेशन यूपी का 1/3, सीटें यूपी से ज़्यादा, तो यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप अगर काउंट करो तो 600 तक सिर्फ और सिर्फ इस साल स्क्रीन पे आपके है, कुल मिला के आप सब काउंट करो तो 1400 स्टूडेंट्स हैं, और 1400 के 1400 जनरल हो जाएं तो भी सबको सीट मिल जाएगा, क्योंकि जनरल की भी सीटें करीब करीब 2000 हैं, 2000 सीट्स हैं, तो 600 तक तो सबको मिल गया। अब आ जाते हैं नीचे, अब वो 550 से ऊपर काउंट करूं तो नंबर पहुंच जाता है ये 3600, तो 550 से थोड़ा ही ऊपर कट ऑफ जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग होंगे SC ST भी होंगे और वहां पे हिली और ग्रामीण एरिया भी है और वहां पे एक दो रिजर्वेशन भी एक्स्ट्रा है, तो यहां पे कट ऑफ 550 और 560-570 के आसपास जाना चाहिए महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र टिल 550 इज गिविंग अस रिलीफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो महाराष्ट्र बढ़िया रहा मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में आग लगी हुई है, लाइक दिल्ली में आग जो लगी हुई है, केरला में आग बुझ रही है इस साल, तो राजस्थान के स्टूडेंट आप लोग ये देखिए, और सबको बार बार बोलूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरा का पूरा PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे स्क्रीन पे दिखेगा आपको, ट्विटर पे भी मैं हूँ और टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से सारे डेटा मिल जाएंगे, थोड़े मोटिवेशनल कोर्स भी देता रहता हूँ। तो राजस्थान में 2019 में सिर्फ एक बच्चा था 700 और 720 के बीच में, लास्ट ईयर 12 थे, इस साल 25, आई थिंक हाईएस्ट इन इंडिया, दिल्ली में 20 है, यहाँ 25 है, हाईएस्ट इन इंडिया। ये रीजन ये भी हो सकता है कि राजस्थान इज़ कोचिंग हब, सो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जाते हैं और वहीं पढ़ते हैं, तो वहीं की स्टेट एलिजिबिलिटी उनको मिलती है।
अब 650 से 699 इस साल 200 बढ़ गए हैं लास्ट ईयर से, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो नेचुरली ये जो बच्चे हैं 700 से ऊपर वाले, ये तो दिल्ली भाग जाएंगे, 650 से 699 वाले भी कुछ चले जाएंगे, बट राजस्थान में भी अच्छे कॉलेजेस हैं। कुछ अगर दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे तो अपने स्टेट में चले जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डरने का भी नहीं है, लेकिन है डरना, ये तो पक्का है। और अगर देखा जाए 600 से ऊपर, अब हाँ यहाँ का कॉलेज नहीं बताया, यहाँ पे 2800 सीट्स हैं लगभग लगभग, और 15 कॉलेजेस हैं, 2800 सीट्स हैं, 15 कॉलेजेस हैं। तो अगर देखा जाए तो जनरल का लगभग लगभग 1300 1250 के आसपास स्टेट में सीट जाएगा। उसके हिसाब से 650 से ऊपर वाले तो एकदम सेफ हैं, उसके नीचे भी कहाँ तक आएगा ये मामला, 620 तक आएगा, 625 तक आएगा, 615 तक आएगा, ये एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा टाइम के हिसाब से। लेकिन ये जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है पिछले साल से ऊपर कट ऑफ जाएगा, जो बहुत ही डरावने वाला है मेरे लिए। मैं राजस्थान के बच्चों के साथ सिंपैथी रखता हूँ कि उन बच्चों को और अच्छा बेटर कॉलेजेस मिलने चाहिए, ज़्यादा कॉलेजेस मिलने खुलने चाहिए वहाँ पे कुछ, या ऑल इंडिया बेसिस पे 3 राउंड पे काउंसलिंग हो, जिससे वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके सेट हों। बट ये ऐसा इनजस्टिस हम कैसे कर सकते हैं, एक स्टेट में 500 पे भी एडमिशन हो जाए, शायद हिमाचल में और एक जम्मू में और कुछ कुछ स्टेट्स में, और एक स्टेट में 620 पे भी एडमिशन के लिए बच्चा परेशान हो। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हार्ड लक बच्चों, आप लोग राजस्थान वाले स्टूडेंट, मान के चलो वही आपका कंपटीशन है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, हिमाचल प्रदेश। यहाँ बड़ा रिलैक्स है, हिमाचल प्रदेश में बहुत रिलैक्स है। 6 कॉलेजेस हैं, 720 सीट्स हैं, और अगर 720 सीट्स मैं देखूँ तो ऊपर से लेके 700 से 720 स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई बच्चा नहीं है। 650 से 699 सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, 600 से 649 तक 33 हैं, 550 से 599 114 हैं। तो यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ हो जाता है 147। तो 550 से ऊपर सिर्फ 157 हैं, और सीटें हैं 720, 720 सीटें हैं। अब 500 से ऊपर देख लूँ तो पूरा काउंट करने पे आता है 424 सीट्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 424 सीट्स, अगर 720 का आधा कर लूँ जनरल का, तो भी आपको लगभग लगभग मिलता हुआ दिख रहा है। तो जनरल 500 पे भी मिल सकता है, मुझे लगता है 720 का आधा होता है 380, तो 380 सीट्स, उसमें 15% हटा दो तो 380 का 15% होगा 40, मान लो 40 का 15% 60, तो 330 सीटें हो गई। अब 500 से ऊपर सिर्फ 424 बच्चे हैं और 320 सीटें हैं। हो सकता है 620 से 699 वाले बाहर चले जाएं, इसमें से कुछ लोग SC ST हों। तो मुझे तो 500 के 505 के आसपास आपको मिलता हुआ सीट दिख रहा है। सो हिमाचल के स्टूडेंट, आपके लिए क्लैप बनता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप सबको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीट आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है, वो मेरे PDF के फॉर्म में, JPG के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, विच इज़ DK मिस्टर फिजिक्स। आप जुड़िए मेरे से, सपोर्ट करिए मेरा, और ये जो डेटा एनालिसिस दे रहा हूँ उस आपके लिए दे रहा हूँ, खुद आप एनालाइज कर लो, खुद आप सोच लो क्या सीटें आ सकती हैं, ना कोई प्रडिक्शन है ना कुछ है मेरी तरफ से, खुद आप सोचो। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऊपर थोड़ा राइज हुआ है, लेकिन नीचे आके मामला मोर और लेस बराबर है। तो नया कॉलेज भी खुल रहा है, कुल मिला के 31 कॉलेजेस हो गए, 3600 के आसपास सीट्स हो गई हैं, तो सिचुएशन बेटर है। बट महाराष्ट्र ज़्यादा बेटर है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन 1/3 है आपके स्टेट से, और वहाँ पे जो सीटें हैं आपसे 600 के आसपास ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं 700 से 720 तक, लास्ट टू लास्ट ईयर 1 स्टूडेंट, लास्ट ईयर 6, इस साल 13, 650 से 699 तक, लास्ट ईयर 343, इस साल 370, 600 से लेके 649 तक, लास्ट ईयर 2029, इस साल सिर्फ और सिर्फ 2002, स्क्रीन पे देख सकते हो। तो 600 से ऊपर जो स्ट्रेंथ ओवरऑल देखी जाए, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे तो बाहर चले जाएंगे, 650 से ऊपर वाले भी कुछ बाहर जाएंगे, 690 के आसपास 99 वाले, 90 वाले, 700 से ऊपर वाले, ये सब बाहर भागेंगे, आपको पता है। तो आपका 600 से ऊपर जो नंबर देखा जाए, एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाए, तो वो हो जाता है 2385, 2385, 600 से ऊपर। तो यहाँ पे 2385 सीट्स में अपने पास 3590 सीट्स हैं, उसमें से आप
इसको मान लो 3600 मान लो, 3600 का 15% होगा 360, और 360 का आधा 180, तो 4 and 5 40, 540 सीटें इसमें से निकाल लो, तो 540 सीटें निकालोगे करीब 3100 3000 के आसपास होंगी। 3000 का आधा 50% जनरल कैंडिडेट, उसमें EWS भी मिला लेते हैं, तो 1500 के आसपास सीट्स हैं। और ऊपर से लेके 600 तक जो बच्चे आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं 2400 के आसपास, 1500 के आसपास सीट्स हैं, 2400 के आसपास बच्चे हैं। अब इसमें कितने SC होंगे, कितने ST होंगे, कितने OBC होंगे, कितने ST होंगे, वो लोग नीचे आ जाएंगे, हट जाएंगे, और रिमेनिंग बचेगा आपका वो सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे वहीं के आसपास रहेगा, मतलब बहुत ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, चिंता मत करना। लास्ट ईयर देखो ना, लास्ट ईयर से अगर टोटल देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी लास्ट ईयर 607 पे गया था, तो नेचुरली उसमें SC ST काफ़ी होंगे, OBC काफ़ी होंगे, और इस साल लगभग लगभग वही, और 900 सीटों का मलाई है आपके पास, मक्खन है आपके पास। तो आपकी जो कट ऑफ हम लोग मान के चल रहे थे ना, 390 695 +-5 598 +-5 उसी के आसपास होगा, 598 कह लो, प्लस माइनस माइनस ही जा सकता, प्लस तो नहीं जा सकता। OBC का 595 +-5, EWS का उसी के आसपास थोड़ा और कम मान लो, एक दो नंबर का डिफरेंस था आपको पता, जनरल EWS और OBC में, तो उसी के आसपास होगा। मतलब 592 93 90 वालों को तैयारी करनी रहनी चाहिए, 95 तक वालों को तैयारी आराम से करना चाहिए, मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती। उसके बाद वाले तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी उम्मीद पाल के रखें, उनको मिल सकता है। तो जिनको जो 599 के आसपास है, 598 के आसपास है, 601 के आसपास, 600 के आसपास है, इनको तो आराम से मिल लेगा। लास्ट ईयर का डेटा यही सजेस्ट कर रहा है, इस साल का भी, इस साल सीटें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा और आप कंपेयर करना, देखो लास्ट ईयर 600 से लेके 649 तक में और उसके ऊपर तक, यानी 600 से लेके 720 तक जो लास्ट ईयर का बच्चा था, डेटा था, लगभग लगभग उतना इस साल भी है। तो लास्ट ईयर 607 पे कट ऑफ गया था, तो इस साल भी अगर सीटें नहीं बढ़ती तो 607 की जगह पे 608 हो सकता था, मान लो थोड़ा इस साल ज़्यादा है, 10-20 बच्चे इतना हो सकता था। अब 900 सीटें बढ़ गई, अब 900 सीटें जब बढ़ी थी तो ऊपर अगर देखा जाए, कोई भी 900 का ब्रैकेट ले लो ऊपर से, तो वो 6000 5000 तक रैंक डाउन करता है ऑल इंडिया में। तो लास्ट ईयर अगर 16000 गया था तो इस साल 22000 के आसपास आ सकता है। अब थोड़ा सा आप एरर मार्जिन ले लो, ऊपर बढ़ा दो, तो 20 जो 6000 के बजाय 5000 कर लो, 21 को सेफ मान लो, तो उसी के आसपास रहना है। लेकिन बॉर्डर लाइन को हम ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपके प्रेडिक्शन के लिए आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा आप एनालाइज करो और आप पैरेलली प्रिपरेशन करते रहो। प्रिपरेशन करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर कोई बोले कि आप प्रिपेयर करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा। प्रिपरेशन का मतलब है कि 1%, बिकॉज प्रॉबेबिलिटी कहाँ पे जाके फिट बैठेगी, फ्यूचर प्रडिक्शन कहाँ पे जाके फिट बैठेगा, ना तो आपको पता ना मुझे पता। 1% अगर नहीं होता है और आपको डॉक्टर बनना ही है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ये हमेशा अच्छा सजेशन होता है। आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिए। मुझे पता है कई बच्चों का दिल टूट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। आप देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले हिमाचल का स्लाइड दिया, 500 तक सेफ बता रहा हूँ, और आपके स्टेट में मैं 600 के पास पहुँच रहा हूँ सेफ के लिए, तो अंदर से बहुत पेन होता है। राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है, दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है कि वो बच्चे बेचारे 620-30 पे भी श्योर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब थोड़ा ये हो सकता है आने वाले टाइम में, कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो रहा है, टाइम लोगों का अब ऐसा आ रहा है कि लोग ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग भी एनालाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक की बातें पहुँचेंगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, बिकॉज वन एग्जाम है तो देयर शुड बी वन मेथड। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस पूरे PDF को, JPG को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। वन नेशन वन एग्जाम एंड वन काउंसलिंग मेथड शुड बी देयर, सो दैट मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो इससे। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 700 से लेके 720 तक सिर्फ 3 बच्चे हैं, 650 से ऊपर 66 बच्चे हैं, और 600 से ऊपर 254 बच्चे हैं, 550 से ऊपर 700 बच्चे हैं, सीटें 2035 हैं। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है इस साल मलाई, और उनको अगर 500 से ऊपर मैं बच्चों को काउंट करता हूँ तो वो हो जाते हैं 1800 और 321, यानी 500 से ऊपर करीब 2100 बच्चे हैं,
550 से ऊपर का अगर बच्चे देखा जाए तो 1000 के आसपास हैं। तो 500 से 550 से ऊपर तो सबको मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सबको, 550 से ऊपर सबको मिल रहा है, यानी 550 से नीचे जाने वाला है कटाव। अब मध्य प्रदेश को देखो, यूपी के बगल में मध्य प्रदेश बॉर्डर, कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट में मैच करते हैं, तो वहाँ 550 से नीचे जाने वाला आपके स्टेट में 600 595 597 598 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो डिफरेंस देखो आप। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को मैं बधाई दूंगा, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, बहुत इजी होने वाला इस साल एमबीबीएस का सिलेक्शन। पूरा का पूरा डेटा देखो, 550 से ऊपर तो सबका 100% हो रहा है यार, 550 से नीचे कितना आएगा ये किस्मत की बात है, क्योंकि यहाँ भी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा 530 540 तक आ सकता है, क्योंकि ये डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपका 50% सीटें आपके जनरल के लिए पक्का होती हैं। लेकिन उसी मार्क्स में मान लो 550 से ऊपर 1000 हैं, तो 1000 में क्या 200 बच्चे एससी एसटी ओबीसी नहीं होंगे, तो 800 ही होंगे। अब 800 होंगे तो कुछ सीटें और नीचे से जाएंगे, यानी कट ऑफ और नीचे जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट उत्तराखंड के बारे में। अब उत्तराखंड वाले बच्चे नाराज हो रहे होंगे, स्लाइड में मेरे सीक्वेंस में नीचे था, ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं था बेटा। तो उत्तराखंड में 700 से ऊपर 720 के बीच में कोई बच्चा नहीं है, एंड यू नो स्टेट के को लगता होना चाहिए, बच्चों को लगता ठीक है अच्छी बात नहीं है। 650 से 699 के बीच में 17 स्टूडेंट्स हैं, 600 से 649 तक 103 स्टूडेंट्स हैं। तो जरा काउंट करते हैं, तो 600 से लेके 720 तक 120 स्टूडेंट्स हैं, 120 स्टूडेंट हैं, सीटें 361 हैं स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए इसका आधा मान लो 180, तो यानी इसका आधा मैंने जनरल के लिए रखा 180 सीट्स, यानी 600 से ऊपर सबका मिल रहा है एकदम बिल्कुल मलाई मार के। अब आ जाते हैं नीचे, 550 से ऊपर काउंट करते हैं, तो 550 से लेके 720 तक कुल स्ट्रेंथ मान लिया जाए तो हो रहा है 380, और अपने पास जो सीट्स हैं वो 180 जनरल की हैं। तो अब 550 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे ये जनरल के नहीं होंगे, सारे बच्चे ओबीसी एसटी के भी नहीं होंगे। अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं, 650 से ऊपर 699 में से 7-8 बच्चे स्टेट से बाहर जाएंगे, ये पक्का मान के चलो, 10 भी हो सकते हैं वो, 12 भी हो सकते हैं, ये बच्चे स्टेट से बाहर जाएंगे। अब 550 से लेके जो 720 तक जो नंबर ये दिख रहा है 380 का, इस 380 में से अगर सपोज करो 100 बच्चा एससी एसटी ओबीसी का हो तो 280 हो गए, आपके पास सीटें हैं 180, तो ये तो मान के चलो 550 कट ऑफ नहीं आएगा जनरल का किसी भी हालत में, क्योंकि इसी के आसपास रेशियो होगा, 380 में से 100 बच्चे ही एससी एसटी ओबीसी होंगे, 280 होंगे वो जनरल के, और जनरल की सीटें हैं आपके पास 180, तो 550 कट ऑफ नहीं होगा, 600 भी नहीं होगा, बीच में कहीं आएगा। लास्ट ईयर 567 था, इस साल मुझे लग रहा है 567 से थोड़ा नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसमें से जो बच्चे एससी एसटी होंगे वो एससी एसटी कोटा से एडमिशन लेंगे, जो ओबीसी होगा वो ओबीसी कोटा से एडमिशन लेंगे, तो ओबीसी के बच्चे काफ़ी फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरिट भी देखा जाए पिछला। एससी एसटी वाले भी कई बच्चे हैं जो मुझे दिखे हैं जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, वो भी इससे निकल जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि 550 कट ऑफ आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। 560 आ जाए उस पर भी थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, बहुत स्लाइट डिफरेंस आएगा, बिकॉज 3-4 नंबर भी अगर नीचे आता है तो वो स्लाइट डिफरेंस कहलाता है। तो ये आ सकता है उत्तराखंड का। अब आप देखो ना, पूरा का पूरा ये जो कोटा मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ी आपको दिख सकती है, बिकॉज ये ऐसा बहुत माइन्यूटली नहीं बनाया गया है, और कोशिश किया गया है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करो और खुद इन्फॉर्मेशन से आप लोग कंक्लूजन निकालो। सो कल मैं लाइव सेशन लूँगा, उसमें और डिस्कस करेंगे, थोड़ा और स्टडी कर लूँगा मैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, अगर कुछ गलती हो तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, सारे बच्चे अच्छा करो, आगे जाओ लाइफ में। ये मत सोचना कि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का सिलेक्शन, मैं क्या, कोई भी टीचर इंडिया का हो, कोई कितना भी सेल्फिश हो, बच्चों के मामले में वो कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। इवन टीचर एंड पेरेंट सब चाहते हैं किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी स्टूडेंट हो, वो अगर मेहनत किया है तो वो सफल हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।